तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आना है और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि हमारे द्वारा यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं की आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको पूरा अंतिम समय तक जरूर देख लें, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है आवृत्ति बीजों के पराग कोष के भीतर की परत होती है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें आपको क्या लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख देना है इसका उत्तर जो होगा आपका ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना है टेपीटम, टेपीटम इसमें आपको लिख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा इसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें कोलोस्ट्रम इसे कहते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं मॉर्गन ने पर काम किया था, मॉर्गन ने किस पर काम किया था। तो यहाँ से आपको लिख लेना है पल मक्खी पर मॉर्गन ने काम किया था, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से आपको लिख लेना है 45 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को मुख्य लसिका अंग है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा अस्थि मज्जा, इसका मुख्य अंग कौन है अस्थि मज्जा, और इसके अलावा अस्थि मज्जा और थाइमस, यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना है अस्थि मज्जा और थाइमस मुख्य लसिकाब अंग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कोकीन से प्राप्त किया जाता है। तो देखिएगा कोकीन जो होता है कोका नाम का एक पौधा होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है। सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है सबसे पहला एंटीबायोटिक था। देखिएगा सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखिए या आपसे 1×7 अंक में पूछे जाएंगे। तो 1×1 करके इनको देखते हैं और समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं आभासी फल है, देखिएगा आभासी फल कौन सा है तो यहाँ से आपको लिख लेना है सेवफल। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं शैली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई थी, तो देखिएगा इसकी खोज लखनऊ में हुई थी। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के भूकलन में पॉलीपेप्टिडाइट का निर्माण होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है इसका उत्तर आपको ये लिख लेना है अनुलेखन में। और उसी के अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं विड्रावल सिंड्रोम क्या है, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा एल्कोहल की नियमित मात्रा का अचानक बंद कर देने की वजह से ये सिंड्रोम होता है। और उसके अलावा पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कवक व पादपों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में आपको 12 नंबर का लिख लेना है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा माइकोराजिया। और छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। और सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि पूछा गया है भारत में पारिस्थितिकी की जनक के रूप में जाने जाते हैं,
तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है रामदेव मिश्रा। और इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वाला ही स्टेप्स को समझ लेनी है। और उसी के अलावा अब यहाँ से देख लेते हैं तो देखिएगा इस जगह से आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं जो कि आपसे 1×7 अंक में पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। भ्रूण और गर्भाशय के मध्य सम्मेलनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम लिखिए। देखिएगा इस संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। यहाँ से आप लोग नोट कर लें प्लेसेंटा। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं मक्का के बीज पत्र का नाम लिख लिए। तो देखिएगा मक्का का जो बीज पत्र है इसका नाम है स्कूटेलम। यहाँ से आप लोग नोट कर ले स्कूटेलम मक्का के बीज पत्र का नाम है। उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किसने प्रस्तावित किया। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है अर्नेस्ट। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें अर्नेस्ट और हेकल ने इसको प्रस्तावित किया था। अर्नेस्ट हेकल यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं बीओडी का पूरा नाम लिखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है बायोलॉजिकल बायो और इसके अलावा लॉजिकल बायोलॉजिकल और इसके बाद में आपको लिखना है ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल और आगे आपको लिखना है ऑक्सीजन और आगे आपको लिख लेना है डिमांड। ये इसका पूरा नाम है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं टेक पॉलीमरेजेन एंजाइम को किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसमें आपकी PCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिएगा दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है इसका उत्तर आपका आ जाएगा लैक्टोबैसिलस। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें इसका नाम है लैक्टो। इस प्रकार से आप सभी लोग लिख लेंगे इसको। इसका पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस और आगे आपको लिखना है लस। ये इस जीवाणु का नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से आपको लिख लेना है रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में ये आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस जगह से आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। सही जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से करना है आप सभी लोग यहां से इसको देख लें। तो देखिएगा पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको छठे नंबर से कर लेना है और दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको पहले नंबर से कर लेना है और तीसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको चौथे नंबर से कर लेना है और उसी के अलावा पाँचवें नंबर की जो तीसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है पहले दूसरा और तीसरे की जोड़ी का मिलान आपका चौथे से हो जाएगा। पाँच चौथे की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है दूसरे से और पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपको सातवें से कर लेना है और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको पाँचवें से कर लेना है और उसी के अलावा सातवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपको तीसरे से कर लेना है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। और उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी लोग इसका सोल्यूशन तैयार कर लें। परागण क्या है, विपुंसक क्या है, प्रसव किसे कहते हैं, पात्र निषेचन से आप क्या समझते हैं और अंडाशय के दो कार्य लिखिए। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें आप सभी लोग। निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेंगे और समझ लेंगे। टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है और आगे के भी प्रश्नों को आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से आगे आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ और आगे प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें क्योंकि अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएँ बहुत ही जल्दी होने वाली है तो इस आधार पर आप लोग इसको तैयार कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।